अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी के लिए दाखिलों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आज के मुख्तलिफ अखबारात में इश्तहार दिए गए हैं। रोजनामा जंग, रोजनामा एक्सप्रेस और इसी तरह अंग्रेज़ी रोजनामों में इश्तहार शाया हो चुके हैं। ये दाखिला फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद हैं और ये ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। 16 नवम्बर से आप पीएचडी और एमफिल के लिए दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में दाखिले जारी हैं जिनका जिक्र इश्तहार में दिया गया है। यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक एंट्री टेस्ट में एमफिल के लिए 50% मार्क्स जबकि पीएचडी के लिए 70% मार्क्स हासिल करने की शर्त रखी गई है। इन एडमिशन के नतज का ऐलान 15 दिसंबर को किया जाएगा। जिन फैकल्टीज़ और जिन डिपार्टमेंट्स में ये दाखिले जारी हैं उनका जिक्र इश्तहार में दिया गया है। आप इश्तहार देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसकी मालूम हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके दाखिले अभी शुरू नहीं हुए उनके लिए अलग से इश्तहार जारी किया जाएगा और वो भी चंद दिनों के बाद जारी किया जाएगा। तो आपको ये इतला देना मकसूद थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी के लिए अपने दाखिलों का ऐलान कर दिया है जिसका जिक्र जिसका इश्तहार आज के अखबार में मौजूद है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और मुख्तलिफ अखबार में ये इश्तहार देख सकते हैं और ये दाखिला फॉर्म 16 नवम्बर से जमा होंगे और जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 नवंबर मकरर की गई है। इन दाखिलों के रिजल्ट्स का ऐलान 15 दिसंबर को किया जाएगा और जिन फैकल्टीज़ में और जिन डिपार्टमेंट्स में ये दाखिले जारी हैं उनका जिक्र इश्तहार में दिया गया है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका जिक्र अभी इश्तहार में नहीं है, जिनके दाखिले अभी शुरू नहीं हुए लेकिन उनके दाखिले भी चंद दिनों के बाद शुरू कर दिए जाएंगे। के मुताबिक तहरीरी इम्तहान के नतज का ऐलान 15 दिसंबर को किया जाएगा जबकि इंटरव्यूज़ 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इंटरव्यूज़ के बाद जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 28 दिसंबर को लगाई जाएगी और उसके बाद लास्ट डेट जो फीस जमा करवाने की है वो 30 दिसंबर है और जबकि क्लासेस का आगाज़ 18 जनवरी 2021 से होगा। तो ये तमाम तफसीलात और दाखिला फॉर्म जमा करवाने का तरीका ये सब कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और अखबारात में दिए गए इश्तहार में मौजूद है।